नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप मैं आपके साथ इस साल की गणेश चतुर्थी पावन पर्व के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इस साल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 10 सितंबर 2021 को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार मध्याह्न काल गणेश पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस दौरान विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल में 11:03 से 13:33 तक है, यानी 2:30 तक का। गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। गणेश चतुर्थी की शुरुआत शुक्रवार 10 सितंबर 2021 को 12:18 से शुरू हो जाएगा और गणेश चतुर्थी की समाप्ति शुक्रवार 10 सितंबर 2021 को 21:57 तक। इस दिन भूल कर भी चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आप पर झूठा आरोप या कलंक लग सकता है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी, कलंक चौथ और पत्थर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में पौराणिक कथाओं के अनुसार आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक बार गणेश जी अपने मूसक पर सवार होकर खेल रहे थे, तभी अचानक मूसक राज को सर्प दिखा, जिसे देख वह भय के मारे उछल पड़े और उनकी पीठ पर सवार गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया। गणेश जी ने तभी मुड़ कर देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, लेकिन रात्रि के समय होने के कारण उन्हें कोई और नहीं दिखा। लेकिन तभी उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि चंद्रदेव की थी। चंद्रदेव ने गणपति महाराज का उपहास उड़ाते हुए कहा कि छोटा सा कद और गज का मुख। चंद्रदेव ने सहायता करने के बजाय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का उपहास उड़ाया। यह सुनते ही गणेश जी क्रोधित हो उठे और चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि जिस सुंदरता के अभिमान में कारण तुमने मेरा उपहास उड़ाया है या उड़ा रहे हो, वह सुंदरता जल्द ही नष्ट हो जाएगी। भगवान गणेश जी के श्राप के कारण चंद्रदेव का रंग काला पड़ गया और पूरे संसार में अंधेरा हो गया। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव से अपने कृत के लिए माफ़ी मांगी। चंद्रदेव को क्षमा करते हुए गणेश जी ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन महीने के एक दिन आपका रंग पूर्ण रूप से काला होगा और फिर धीरे धीरे प्रतिदिन आपका आकार बड़ा होता जाएगा तथा माह में एक बार आप पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। कहा जाता है तभी से चंद्रमा प्रतिदिन घटता और बढ़ता है। गणेश जी ने कहा कि मेरे वरदान के कारण आप दिखाई अवश्य देंगे, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त आपका दर्शन करेगा उसे अशुभ फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। एक यही गणेश चतुर्थी है जिस दिन लोग चंद्र के दर्शन नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी या मेरा प्रयास पसंद आया तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल